देश भर में लॉकडाउन के चलते लोग अलग अलग जगह पर फंस गए हैं और अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां गुजरात और महाराष्ट्र से करीब 30 लोग एक शादी में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये लोग वहीं फंस गए। दरअसल खंडवा में रहने वाले जावेद खान का निकाह भोपाल में 25 मार्च को होना था। मेहमान 21 मार्च से ही घर आ गए और अचानक 24 मार्च की रात पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ऐसे में शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। अब इन लोगों के सामने रहने और खाने का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में ये लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने सरकार से मदद की अपील की है। वहीं दूल्हे जावेद खान का कहना है कि मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं दुल्हन तो बाद में भी ले आऊंगा, लेकिन सरकार पहले मेहमानों को उनके घर पहुँचाने का इंतजाम कर दे। ये निवेदन चाहता हूँ कि मेरी शादी थी तो वो तो कैंसिल हो गई है। 25 तारीख को निकाह था अपने भोपाल में, वो कैंसिल हो गया है। इसके चलते हमारे वहाँ मेहमान आए थे तो वो यहीं फंस गए। उनके गुजारिश करता हूँ मैं कि सरकार से, केंद्र सरकार से और गुजरात सरकार से कि इनको जाने का बंदोबस्त करा दीजिए। और मैं इतना ही चाहूँगा कि मैं दुल्हन तो बाद में ले आऊँगा, मगर इनका जाने की परमिशन करवा दें। अभी खाने पीने की तो जो था वो जब तक चला अभी तक यहाँ गए, बहुत सी जगह गए, वहाँ से तो कोई सुरक्षा हमें मिली नहीं। हमारे घर में जो था वो खिलाया हमने अभी तक, पर अब कुछ नहीं है। तो 2-3 दिन से बहुत दिक्कत जा रही है। यही नाम नंबर ले लेते हैं और कुछ देते नहीं है सुविधा। वहीं गुजरात से आए मेहमान भी अब परेशान होकर अपने घर वापस जाना चाहते हैं और सरकार से जाने की परमिशन मांग रहे हैं। हाँ, हम शादी में आए थे, हमारे भांजे की शादी थी, 21-22 तारीख को खंडवा आए थे, 24 और 25 को भोपाल जाना था शादी में। नहीं, पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण हम यहीं फंस गए। अब हम यहाँ बहुत परेशानी में हैं, खाने पीने की हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। अब हम MP गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था की जाए, हमको जाने की इजाज़त दी जाए। हमारे पास गाड़ी है, हमको सिर्फ परमिशन दी जाए तो हम आधे लोग तो कम हो ही जाएंगे। इस सब के बीच जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते वो उन्हें गुजरात जाने की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन उनके लिए खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं, खाने की जिम्मेदारी तो हमारी है, अगर कहीं इस तरह की जब दिक्कत हो रही हो तो हम बना बनाया खाना उनके यहाँ पहुँचा देंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम 6,000 फूड पैकेट रोज़ बनवा रहे हैं सुबह शाम मिला के, अगर ऐसे 100-200 लोग और होंगे तो उन्हें भी उपलब्ध करा देंगे। नहीं, प्रकाश यादव जो उस पूर्व पार्षद थे वो अपना ले जा रहे हैं, उनको खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ से फूड पैकेट ले जाते हैं उनको देते हैं। अब ये तो जिला प्रशासन से लेना पड़ेगा अनुमति, लंबी यात्रा दूर की है, पास पास ज़िले की होती तो तत्काल अनुमति मिल जाती। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, लॉकडाउन के बाद से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और प्रशासन इन लोगों की मदद भी कर रही है। खंडवा से न्यूज़ के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।